और था पहले हेलीकॉप्टर से उन्हें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर ये देखिए स्वागत की तस्वीरें थोड़ी देर पहले की। जब प्रधानमंत्री मोदी उतरे हवाई जहाज से तो इस तरीके से स्वागत किया उनका गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर, बाबतपुर एयरपोर्ट पर। और इस स्वागत के बाद अब प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से रवाना हो चुके हैं काल भैरव मंदिर की ओर, वहीं पर सबसे पहले वो पूजन अर्चन करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इस प्रकार से स्वागत हुआ उनका, और देखिए आप कैसे उनका काफिला रवाना हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर जो है उसमें आप ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है, वेल इक्विप्ड और सिक्योर गाड़ी जो है उनका काफिला प्रधानमंत्री का वो रवाना हुआ है काल भैरव मंदिर की ओर सड़क मार्ग से। दोनों ही तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं, प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की एयरपोर्ट पर और उसके बाद उनकी रवानगी की काल भैरव मंदिर की ओर। दोनों तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर, ये दोनों ही तस्वीरें एक्सक्लूसिव और आज की सुबह की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की रवानगी काल भैरव मंदिर की ओर, ये दोनों महत्वपूर्ण तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। मार्ग में है प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर के, सड़क मार्ग से ही चले गए हैं वो एयरपोर्ट से, और वहां पर पहुंचकर वो हाजिरी लगाएंगे काल भैरव के दरबार में, पूजन अर्चन करेंगे। लेकिन जब पहुंचे वो कुछ मिनटों पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पर, तो ऐसे उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। दूसरी तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे वो एयरपोर्ट से रवाना। तो दो दिनों के काशी दौरे का प्रारंभ हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो काशी के सांसद भी हैं। और आज एक बहुत पुराना स्वप्न जो था काशी विश्वनाथ के जो श्रद्धालु हैं वो साकार होकर जमीन पर उतर चुका है, उसका आज लोकार्पण करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। उनका विजन, उन्होंने ही आधारशिला रखी, उन्हीं का विजन था और अब वो स्वयं इसका लोकार्पण करने पहुंच चुके हैं काशी नगरी जहां के वो सांसद हैं। तस्वीरें दोनों एक्सक्लूसिव, बहुत ही महत्वपूर्ण सुबह की। ऐसे स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का।